राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वर साधक संगम यानी घोष शिविर का आयोजन 25 नवंबर से 28 नवंबर 2021 को ग्वालियर में आयोजित किया गया। इसमें सर संघ चालक जी डॉक्टर मोहन राव भागवत जी खास तौर से 26 से 28 तारीख तक यानी 3 दिन उपस्थित रहे। घोष शिविर के दौरान उन्होंने चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर नतमस्तक हुए और घोष शिविर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने नगर के स्वर साधकों से भी चर्चा की। देखिए हमारी विश्व संवाद केंद्र की रिपोर्ट। यह 3 दिन लगातार सत्र चलेंगे, संगीत के सत्र चलेंगे, उनको सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह से उनका परीक्षण और मार्गदर्शन होगा। माननीय घोष सिद्ध माननीय अधिकारियों द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई को भाव पुष्पांजलि अर्पित। देश के भलाई के लिए पत्रकारिता, मनुष्यों के प्रबोधन के लिए पत्रकारिता, सबके सामने स्थिति के सारे पक्ष स्पष्ट हो और विवेकपूर्ण विचार करके लोगों का मन बने, इसलिए पत्रकारिता।
और विवेक तो दिशा के आधार पर तय होता है, ये करना कि नहीं करना, ये तय करना है तो ये किस लिए करना या नहीं करना, ये किस लिए पहले तय होना पड़ता है। सुदर्शन जी, पूजनीय सुदर्शन जी संघ के प्रचारक थे, संघ का मुख्य काम शाखा चलाना है, तो वृत्त पत्र का संकल्प कहां से आया उनके मन में? तो इसलिए आया कि संघ का प्रचारक रहकर जो काम करना है उस काम के अधिक गतिमान होने के लिए, अधिक पुष्ट होने के लिए इसकी भी आवश्यकता है। जो अभी मैं घोष शिविर में आया, आज सुबह मैंने उनको बताया कि वादन करना है, वादन उत्कृष्ट करना है, लेकिन वादन किस लिए करना है? हम प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, हमारा ऑर्केस्ट्रा नहीं है। पहले पहले लोगों ने ऐसे ही समझा, तो डॉक्टर हरिद्वार के पास संदेशा भी भेजा कि भाई हमारे घर में विवाह है तो आपका बैंड बहुत अच्छा है, थोड़ा ये हुई है। तो डॉक्टर साहब को समझाना पड़ा कि भाई ये बैंड यानी प्रोफेशनल बैंड वाले पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये देश को बनाने के लिए। ऐसा स्वदेश को भी समझाना पड़ेगा और जिनको समझाना पड़ेगा समझाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहां आए हैं तो हम स्वदेश के हितैषी हैं, हम थोड़ा समझ लें। जोश जोश में बहुत बातें होती है, अभी थोड़ा होश की भी आवश्यकता है। जैसे सूरज जी ने कहा कि अब ध्येय निष्ठ पत्रकारिता का युग शुरू हो गया है और वो जो व्यावसायिक या पथभ्रष्ट ऐसी पत्रकारिता एक चलती है ऐसा सुनते हैं, उसके दिन लग गए। वैसा मुझे लगता है कि जोश तो काम करने में जहां जोश चाहिए वहां चाहिए, लेकिन पहले जोश ही जोश रहता था, अब थोड़ा होश भी आवश्यक है। स्वतंत्रता के पहले जोश तो आवश्यक था ही, वह विदेशियों से लड़ना था, उनको देश से भगाना था। तो डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी ने यही सोचा कि जोश तो ठीक है वो चाहिए, निर्माण करने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन ये जोश काम कर देगा तो उसके बाद जो होगा उसमें होश की ज्यादा आवश्यकता है। वो होश अभी से नहीं बनाया तो आगे क्या होगा? भारत के कारण वो भारत अपने स्व के साथ खड़ा हुआ, वो मूल है हिंदुत्व का, इसलिए हिंदुस्तान हिंदू का देश है, हिंदू राष्ट्र है। और ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता, यही तर्क है उसके पीछे। भारत छोड़ के हिंदू हिंदुओं का इतिहास क्या लिखे और हिंदू को छोड़ के भारत का इतिहास क्या लिखे? अंग्रेजों ने लिख डाला, क्या मिलता है उसमें? हम इतने सारे लोग यहां बैठे, हमारे देश में अपने आप को जो हिंदू कहते हैं उनके सहित 15 पीढ़ी के पहले हमारे पूर्वज नहीं थे ऐसा सबको लगेगा, ऐसा वो अंग्रेजों का लिखा इतिहास है, क्योंकि उसमें हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है तो भारत भी नहीं। फिर यहां आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले किन से हुए पता नहीं, उधर से तो नहीं हुए और इधर नाम नहीं। ये दुविधा होती है, हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और इतिहास देखो, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। और क्या, भारत टूटा, अभी अभी टूटा, क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ, क्यों हुआ? तो हम हिंदू इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए, और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं आ रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। We'll be right back.
ऐसा योग बना कि इसी महीने में और इस मध्य क्षेत्र के दो छोर के दो प्रांतों में मैंने ऐसा ही कार्यक्रम देखा जैसे आज देख रहा हूं। त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन शिवनाथ नदी के मदकू द्वीप में बिलासपुर के पास प्रगत घोषवादकों का कार्यक्रम हुआ था, उसमें 96 घोषवादक थे और काफी कुछ तैयारी के बाद बहुत सारी प्रगत रचनाओं का लगभग 40 रचनाओं का लगातार वादन हुआ और यहां पर अपना शिविर, इसमें आयु के 11 साल से लेकर तो थोड़ी ही क्यों न हो लेकिन प्रौढ़ आयु के लोग भी है और पुराने वादक भी है, नए सीखने वाले भी है, तो उनके भी वादन का कार्यक्रम मैं आज देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हैं। संघ में ऐसे अनेक कार्यक्रम, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम से संघ का अनुमान नहीं लगाना। जैसे अब ये संगीत का कार्यक्रम हुआ, सारे देश में होते हैं, हर जगह घोष है और उसके कार्यक्रम होते हैं। जैसे आपने एक सांगीत गीत सुना, एक व्यक्तिगत गीत सुना, ऐसे गीत संघ में नित्य गाए जाते हैं, परंतु संघ कोई अखिल भारतीय संगीतशाला नहीं है। संघ में लाठी काठी आदि, जिसको आजकल की भाषा में मार्शल आर्ट्स कहते हैं, उसके भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय व्यायामशाला या मार्शल आर्ट्स क्लब नहीं है। गणवेश में कार्यक्रम होते हैं, दक्ष आर्म चलना वगैरह सब होता है, तो कभी कभी संघ का वर्णन पैरा मिलिट्री ऐसा कहते, लेकिन संघ कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ तो कौटुंबिक वातावरण वाला एक समूह है। तो फिर ये सब हम क्यों करते हैं? शारीरिक कार्यक्रम, बौद्धिक कार्यक्रम, वादन, खेल, विविध प्रकार की गतिविधियां संघ के कार्य पद्धति में है और वो सब संघ नहीं है। संघ एक बड़ा कुटुंब है, तो फिर ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्या है? तो ये सारे कार्यक्रम मनुष्य की गुणवत्ता बढ़ाने वाले कार्यक्रम है। और गुणवत्ता वाले मनुष्य प्रत्येक गांव में और शहर के प्रत्येक मोहल्लों में खड़े हो जाएंगे और प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से अपने देश के लिए जीने मरने का उत्साह लेकर अपना जीवन यापन करते रहेंगे और हर छोटी बड़ी बात में समाज की चिंता करते रहेंगे। उनके पारदर्शी और पवित्र चरित्र के कारण समाज उन पर विश्वास रखेगा और जैसे अपने देश में है, किसी जाति में जन्मे हो, किसी की पूजा करते हो या न करते हो, किसी भाषा को बोलते हो, कोई खान पान रीति रिवाज हो, लेकिन अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति से हिमालय से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक सारा भारतवासी मेरा अपना भाई है, ऐसा भाव मन में रखकर वो बरतते हो, तो ऐसे लोगों के करनी से जो गांव गली मोहल्ले में वातावरण बनेगा, उस वातावरण में समाज के सब लोगों का आचरण का परिवर्तन होगा।